जैसा कि प्राचीन पुराणों में कहा गया है, एक ऐसी जगह जो वरुणा और अस्सी नदी के बीच होगी और जहां गंगा मैया उत्तर की तरफ बहने लगेंगी, वही जगह कहलाएगी वाराणसी या काशी। और आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर की काशी, यानी उत्तर काशी, जिसे सौम्य काशी और शिवनगरी भी कहा जाता है। समुद्र तल से 1158 मीटर की ऊंचाई पर माँ भागीरथी के किनारे बसी यह नगरी विश्वनाथ का घर है। यहाँ विराजित हैं काशी के विश्वनाथ, जिनका सदियों पुराना मंदिर यहाँ के लोगों की आस्था का प्रतीक है। उत्तर काशी अपने असंख्य मंदिरों, आश्रम, झील, नदी और घाटियों के लिए भी जाना जाता है। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं उत्तर काशी की अपनी यात्रा दिल्ली से और जानते हैं उत्तर काशी को। हेलो पीपल, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवल्स पर। और आज है 10 अक्टूबर 2024 और हम निकल पड़े हैं एक और नई ट्रिप पर। इस बार हम जा रहे हैं उत्तराखंड। हमारे हाथ में कुछ 5 से 7 दिन हैं और इन 5-7 दिनों में हम उत्तराखंड की एक बेहद ही हॉटस्पॉट और खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं और आपको अपने इस कैमरे की लेंस के थ्रू दिखाने वाले हैं। दरअसल हमारा जो ये ट्रिप है और आने वाली जो कुछ वीडियोस हैं, इसमें आपको हम दर्शन कराएंगे दिल्ली से निकलकर उत्तरकाशी के। उत्तरकाशी के बाद हम चलेंगे हरसिल और वहां से चलेंगे गंगोत्री। गंगोत्री के दर्शन आपको कराएंगे इस महीने में और उसके बाद हमने प्लान किया है कि हम जाएंगे गोमुख के ट्रैक पर। जी, गंगोत्री से लगभग 22-23 किलोमीटर गोमुख ग्लेशियर, जहाँ से भागीरथी नदी का ओरिजिन होता है और अंटार्कटिका के बाहर ये दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है। अच्छा, तो उस ग्लेशियर के मुहाने तक हम जाएंगे, जिसे गोमुख कहा जाता है। कोशिश करेंगे जाने की। हम दोनों मोटा मोटी गए बाजार, इतने टाइम में एक बाजार भी नहीं गए, पता नहीं वहां तक कैसे चल के जाएंगे। तो वहां जाने का प्लान है, आपको वीडियो के थ्रू पता चल ही जाएगा, सफल असफल जो भी है। तो बने रहिए इस सीरीज में और देखते रहिए हमारी आने वाली कुछ वीडियोस। अब जो अभी ये नेहा कर रही थी ना, मोटा मोटी गए बाजार, एक्चुअली अब से 11 साल पहले 2013 में मैंने अपने जीवन का जो सबसे पहला ट्रैक किया था वो यही था, गुमुख का। हाँ, मैं सीधा दिल्ली से मुंह उठा के पहुंचा उत्तरकाशी और उत्तरकाशी से नेक्स्ट डे सीधा गोमुख का ट्रैक शुरू कर दिया था। और भाई साहब को बड़ी तब AMS की वो हुई थी, लेकिन इनको पता ही नहीं था तब। हाँ, इनको पता ही नहीं, इनको लगा पता नहीं इनका क्यों सर घूम रहा है, क्या हो रहा है, और ये चलो ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर सो जाऊंगा। तो सोने के बाद हो गया था ठीक, लेकिन AMS की इस बंदे को कोई जानकारी नहीं थी और मुंह उठा के पहले दिन उत्तरकाशी, दूसरे दिन सीधा गोमुख के ट्रैक पर निकल गया। एक्चुअली जब भी आप किसी ऐसे ऊंचे ट्रैक पर जाते हो, गंगोत्री है वो लगभग 3100 मीटर की हाइट है, वो हाइट तो चलो ठीक है आप एक दिन में गेन कर लो, उतना प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन गोमुख 4000 मीटर की हाइट पर है। तो 4000 मीटर आप अगर प्लेन से दूसरे दिन 4000 मीटर पे पहुंच जाओगे तो बहुत से लोगों की बॉडी को परेशानी होना बहुत आम बात है, तो वही मेरे साथ भी हुआ। और जो गोमुख ट्रैक की जो बाकी जानकारी है वो हम आपको अपनी अगली वीडियोज में देंगे। आज का तो वीडियो हमारा ये उत्तरकाशी तक का ही होने वाला है। उत्तरकाशी जो है, यहाँ पर 2 बहुत बड़े धाम हैं, 4 धाम में से उत्तराखंड वाले। आप सब जानते हैं उत्तराखंड में 4 धाम हैं, नेहा बताएंगे आपको वो 4 धाम कौन कौन से हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऑब्वियसली सबको पता ही होगा। ऑब्वियसली कोई धाम नहीं है। अच्छा, तो इन 4 धामों में से 2 धाम जो पड़ते हैं वो उत्तराखंड के ईस्टर्न साइड में है, मतलब सेंट्रल उत्तराखंड कह सकते हो आप, और जो वेस्टर्न उत्तराखंड है, नॉर्थ वेस्ट उत्तराखंड, उसमें ये 2 आते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। हरिद्वार से जो रोड जाता है वो नरेंद्र नगर होते हुए, चिन्याली सौड़ होते हुए धरासू बैंड पहुंचता है, और धरासू बैंड से अगर आपने बैंड ले लिया ऊपर की तरफ तो आप चले जाते हो यमुनोत्री की तरफ, और अगर बैंड से सीधे चले जाते हो भागीरथी नदी के साथ साथ तो आप जाते हो उत्तरकाशी और फिर आप निकल जाते हो गंगोत्री की तरफ। इन चारों धामों में से 2 धाम पहुंचना सबसे इजी है। हाँ। एक है बद्रीनाथ, जहाँ पे आपको पैदल नहीं चलना पड़ता, गाड़ियां बद्रीनाथ तक जाती हैं, और दूसरा है गंगोत्री, वहां तक रोड बना हुआ है, इसलिए मेरे ये 2 धाम हो चुके हैं। मतलब एक हो जाएगा और एक बद्रीनाथ हम देख के, मतलब दर्शन करके आ चुके हैं। हाँ, तो ये है अपडेट। अब जो उत्तरकाशी आज हम पहुंचेंगे ना, एक्सपेक्टेड है कि हम शाम को 5 बजे तक सुकून से उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक और खास बात मैं आपको बताता हूँ,
लेकिन जिनमें से आप में से कुछ लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं, शायद आपने मुझे कहते हुए सुना होगा कि नेहा इज नॉट इनटू ट्रैक्स एंड ऑल। मतलब ट्रैक मेरा करने का बहुत मन करता है, लेकिन अब मेरी भी थोड़ी सी मतलब हैबिट छूट गई है। नेहा तो बिग नो, जाना ही नहीं है, किसी भी ट्रैक पे नहीं जाना। अब इस बार हमने जब हरसिल जाने का प्लान बनाया तो मैंने कहा चलो गंगोत्री तो दर्शन कर ही आएंगे। पता नहीं मैडम के मुंह से कहां से निकला एकदम से कि गोमुख जा सकते हैं क्या। मैंने कहा यार वाह, लड़की सीधा ही 4000 मीटर पे हाथ मार रही है, मतलब गजब ही हो गया, सीधे गोमुख। अच्छा गोमुख के ट्रैक की ना एक अच्छी चीज है, अब मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ, हालांकि मैं फिर बताऊंगा, चलिए बता देता हूँ थोड़ी सी। गोमुख के ट्रैक की एक खास बात है कि 21-22 किलोमीटर में ना सिर्फ आप 1000 मीटर का डिस्टेंस इंक्लाइन करते हो, मतलब हाइट इंक्लाइन करते हो। तो गंगोत्री से गोमुख का ट्रैक ऐसे नहीं है स्टीप, वो सीधा है, बस धीरे 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 चलते रहो। And I was so confident for this track, मैंने कहा मैं कर लूँ, मैं कर लेंगे, कर लेंगे। अबे मोटू राम कर पाएगा क्या नहीं, ये हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, बट अभी तक का ये प्लान है। और आज उत्तरकाशी जाने के बाद हमारा प्लान है कि हम वहाँ जाके वहाँ का एक टेम्पल विजिट करेंगे। उत्तरकाशी शिव जी का टेम्पल है, वहाँ पे ना एक बड़ा सा त्रिशूल है उस मंदिर में, मंदिर से बाहर निकल रहा है। तो उस टाइम पे क्या था कि उस त्रिशूल को अगर आप हाथ से हिलाते हैं, लोग टच करते हैं, तो हाथ से हिलाओगे ना पूरा दम लगा के नहीं हिलेगा। अच्छा। और अगर एक फिंगर से उसको आप हिलाओगे ऐसे तो वो हिलता है। तो अगर शूटिंग अलाउड होगी ना तो हम देखेंगे वहां पर क्या सीन है, भगवान जाने। और इसे उत्तर की काशी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम उत्तर काशी है। दिल्ली से निकले लगभग 220 किलोमीटर हो गए हैं और ना फिलहाल हम आ गए हैं ये ऋषिकेश और चंबा के बीच में कोई जगह है, कौन सी जगह है भाई, आगरा खाल है ये जगह, आगरा खाल। अब यहाँ हमने लिया एक ब्रेक खाने का, दरअसल भूख लगाई थी, हालांकि हमने मेरठ के आसपास कुछ थोड़ा सा खाया था। चलिए मैंने थाली ऑर्डर कर दी है, वो खाते हैं। चलिए मैं थाली खा लेता हूँ ये वाली, फिर आपसे मिलते हैं रोड पर वापस टूवर्ड्स उत्तरकाशी। आलू मटर की सब्जी, राजमा और कढ़ी और चावल, टेस्टी है तीनों चारों चीज़ें, मस्त। उत्तराखंड में आके अगर राजमा नहीं खाया तो बेकार है। वाओ ये तो नई बनी है यार, पहले नहीं थी ये चंबा टनल, नहीं थी के अंदर से, नहीं मुझे तो पता नहीं, पहले नहीं थी। नाइस ओ कूल ओ नाइस, बढ़िया लग रही है, छोटी सी है, अरे जितनी भी है तो अच्छी है, बढ़िया है। एक बात तो भाई बहुत क्लियर है, पिछले 10-12 सालों में जो रोड नेटवर्क का ग्रोथ हुआ है इंडिया में वो ज़बरदस्त है। आप इस रोड को देख लो, ऋषिकेश से उत्तरकाशी जाने वाला रोड जो पहले इतना पतला हुआ करता था, बहुत नैरो रोड था ये, आई रिमेम्बर जब 2013 में मैं इसी रोड से गया था, और अभी मैं ये रोड देख रहा हूँ, मतलब इस पर गड्ढे नहीं है, रोड इतना अच्छा बना हुआ है, कोई समस्या ही नहीं है, मतलब रोड नेटवर्क इतना अच्छा हो गया है ना, और जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत गड़बड़ है वहाँ पर रोड बेटर बन रहे हैं। तो जहाँ पहले ऋषिकेश से उत्तरकाशी पहुँचने में 8-10 घंटे लगते थे, आज आप 4-5 घंटे में ऋषिकेश से आराम से उत्तरकाशी तक पहुँच सकते हैं। रिमार्केबल जॉब डन बाय दी NHAI। गए हम कहाँ, उत्तरकाशी में ही घूम रहे हम यहाँ। एक दोस्तों, ये जो नीचे आपको खूबसूरत सी नदी दिख रही है ये है भागीरथी, ये सारा एक्चुअली इसी नदी पे आगे जाकर है टिहरी डैम, जो कि भारत का सबसे बड़ा डैम है।
हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, टिहरी डैम, जो कि बना है भागीरथी नदी पर। अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा जो गंगा रिवर है वो बनती है दो रिवर्स के मिलने से, एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। अलकनंदा निकलती है सतोपंत ग्लेशियर से बद्रीनाथ के ऊपर से, और जो भागीरथी है वो नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है अंटार्कटिका के बाहर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से आती है भागीरथी और सतोपंत ग्लेशियर से आती है अलकनंदा, और ये दोनों नदियाँ आकर मिलती हैं देवप्रयाग में, जो कि ऋषिकेश से लगभग 50-60 किलोमीटर ऊपर है। वहाँ ये दोनों नदियाँ जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब बन जाती है गंगा। हमारी जो पानी आप रुका हुआ देख रहे हैं ये पूरा भरा हुआ पानी है नीचे से ऊपर तक, क्योंकि आगे डैम है, आगे डैम ने पानी को रोक रखा और बहुत बड़ा डैम है वो। आप लोग चाहें तो गूगल कर सकते हैं, नहीं तो हमारी कुछ वीडियोस भी हैं, मैं यहाँ पे कार्ड लगा देता हूँ तो आप ये वीडियो हमारी देखेगा। हम इसमें बोटिंग भी करके आए एक बार बहुत पहले, और बिल्कुल शांत जगह है। जो शोर कर रखा है वो मैंने कर रखा है। यहाँ पर लगभग 310 किलोमीटर के आसपास हमने ड्राइव कर लिया है, 61 किलोमीटर और बचा हुआ है उत्तरकाशी। भगवान की दुआ से सुकून से पहुंच जाएंगे और आज रात जाकर रुकेंगे आज शाम को उत्तरकाशी के एक होमस्टे में। होमस्टे का टूर मैं आपको बाद में कराऊंगा, फिलहाल आप बस जरा ये नज़ारा देखिए। हेलो धन्नो, चलिए तो फिर अब यहाँ से निकल लेते हैं थोड़ा आगे की तरफ और आपसे मिलते हैं उत्तरकाशी में चल के, ठीक है? बीच में कुछ नजर आएगा अच्छा सा तो उत्तरकाशी में आपको दिखाऊंगा, बने रहिए। कितना प्यारा ब्रिज बना हुआ है यार, वाओ, सस्पेंशन ब्रिज है यार, हम जाएंगे उसके ऊपर। मुझे क्या पता, तुम बताओ। ओ यानी कि ये वहाँ से इधर क्रॉस करने के लिए है, भागीरथी को क्रॉस करने के लिए ना। वाओ बड़ा ब्यूटीफुल ब्रिज, वी हैव मेड इट टू चिनियाली सोंड, चिनियाली सोंड, चिनियाली सोंड। अब यहाँ से अगला स्टॉप पे जाएगा ये सामने चिनियाली सोंड आ गया उधर, ये भागीरथी पे ब्रिज है और भागीरथी नदी का ये देखो टिहरी का रिजर्वर यहाँ तक फैला हुआ है भाई, बहुत दूर तक। वैसे अगर टिहरी डैम से यहाँ तक आया जाए ना तो बड़े प्यार से आ सकते हैं बोट से, कुछ ही घंटे लगेंगे, जहाँ हमें 3 घंटे से ऊपर लग गए इधर आने में। अब ये चिनियाली सोंड के बाद धरासू बैंड आएगा, धरासू बैंड के बाद आ जाएगा आपका उत्तरकाशी। हाँ तो अभी दोस्तों हम उत्तरकाशी से 31 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ आ गया है एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जिसका नाम है धरासू बैंड। अब धरासू बैंड एक्चुअली क्या जगह है, यहाँ पे एक बैंड बना हुआ है हेयरपिन बैंड टाइप, यहाँ से रास्ता उत्तरकाशी और गंगोत्री के लिए अलग हो जाता है और यमुनोत्री के लिए अलग हो जाता है। ये देखिए जैसे बोर्ड आपको दिख रहा है ना, इस पर भी लिख रहा है अगर आप यहाँ से यू टर्न लेकर ऊपर चले जाएंगे जो बैंड अभी आ रहा है तो आप चले जाएंगे यमुनोत्री की तरफ, और अगर सीधे जाएंगे जैसे हम जाएंगे तो आप चले जाएंगे गंगोत्री के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ ये, और यहाँ से 95 किलोमीटर हनुमान चट्टी है और यमुनोत्री 109 किलोमीटर है यहाँ इधर से, ये यमुनोत्री का रास्ता जा रहा है पीछे हनुमान चट्टी होते हुए। अंकल जी होश में आ जाओ। और ये हम चल दिए अब तपोभूमि गंगोत्री की तरफ सीधे, वैसे मेरी उम्मीदों से ज़्यादा दूर है भाई, यमुनोत्री 109 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा गंगोत्री भी तो यहाँ से 130 किलोमीटर है। तो हम आ गए हैं अपने यहाँ पे स्टे पर जो अब हमें उत्तरकाशी में करना है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टे है कैसा। और यहाँ से जो फैबुलस व्यू है वो है ये बेस्ट पार्ट। है ना मज़ेदार, मतलब अल्टीमेट फील है। जब मधुरगढ़ में बोला है टेंट्स में रुकना, मैंने कहा टेंट वेंट में नहीं रुकना, पता नहीं कहाँ है क्या, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ टेंट्स,
बट व्यू देख के मैंने कहा यार ये भागीरथी नदी सामने, और टेंट से ही, ये हमारा टेंट। अच्छा खासा टेंट। वेलकम टू आवर होम मैम, वेलकम टू आवर होम। ये है, दिस इज सो कॉल्ड स्विस कॉटेज। और ये ऐसा वॉशरूम है ना बच्चों, रात को बड़ी ठंड लगने वाली है। हिल ड्यू कैंपसाइट और हिल ड्यू होम स्टे, ये यहीं के उत्तरकाशी के ही एक पर्सन है, मिस्टर अखिल पंत उनका है। और ये हमारा एक फ्रेंड है शैलेश, उसने मुझे सजेस्ट किया था, शैलेश रंगीला, नहीं क्या नाम है, बंजारा। ओ अच्छा, शैलेश बंजारा, सॉरी। हाँ शैलेश बंजारा ने, होगी शैलेश को बताऊंगी, कह रहा था रंगीला। वो रंगीला ही है हमारा। तो शैलेश बंजारा ने मुझे गाइड किया था, सजेस्ट किया था कि हाँ आगे रुक जाना, तो यहीं आ गए हम सीधे उत्तरकाशी। अब कहानी आगे की आपको उत्तरकाशी के शहर में दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो हम उत्तरकाशी से लगभग 3 किलोमीटर आगे हैं। शान जगह है, नया ने आपको दिखाई दिया। और देखो ना, ऐसे डोर खोलो और बाहर आओ, और सामने ये भागीरथी नदी। चलिए अब हम थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको उत्तरकाशी में शाम के रंग, क्योंकि दशहरा है परसों और यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है आज। चलिए दिखाते हैं थोड़ी देर में। चलिए अब चलते हैं महादेव के दर्शन करने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में, और चल के अंदर जानते हैं कि इस जगह को उत्तर की काशी क्यों कहा जाता है। दरअसल ये जो उत्तर काशी है, ये वरुणा और अस्सी गंगा नदियों के बीच में स्थित है। तो अस्सी गंगा और भागीरथी का संगम इसके एक छोर पे है, और वरुणा और भागीरथी का संगम इसके दूसरी छोर पर है। इन दोनों संगमों के बीच में जो जगह होती है उसको वाराणसी कहते हैं। और दुनिया में केवल ऐसी दो ही जगहें हैं, एक तो वाराणसी में जो हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है, और दूसरा ये, इसलिए इसे सौम्य काशी या सौम्य वाराणसी भी कहा जाता है। और ये है वो त्रिशूल जिसको अगर आप हाथ से हिलाएंगे तो वो नहीं हिलेगा, लेकिन अगर आप उंगली से हिलाएंगे तो वो हिलने लग जाएगा। जब 2013 में मधुर गौर आए थे तब तो ये त्रिशूल ओपन में था और इसको छूने दिया जाता था, अब इसको ऐसे कवर कर दिया गया है और इसको अब छूना इतना पॉसिबल नहीं है। मार्केट में आ गए हैं और हम ढूंढ रहे हैं मोमोज। सुना है यहाँ के बटरी मोमोज बड़े फेमस हैं, तो उन्हीं मोमोज को हम ढूंढते हुए यहाँ के पता नहीं कौन से गली कूचों में हम पहुँच गए हैं। हर जगह के गोलगप्पे खाने हैं इस बंदे को। हमें पता चला, नेहा बता रही थी ना कि मोमोज खाने की दुकान, फाइनली ना हम गली में खोपचे में ढूंढते हुए पहुंच गए। ये JH फूड है और ना एकदम गली के अंदर है, बिल्कुल कोने में खोपचे में। गूगल मैप पे डाला, खो गए, फिर एक बंदे से पूछा, फिर हमने क्या करा, हम सीधे यहाँ पर आ गए एक प्लेट बटर मोमोज खाने के लिए। अब खा के देखते क्या स्पेशल है, बस सुना है अभी तक। ठीक है, थैंक यू भैया। बटर है काफी, हरी चटनी के साथ नॉर्मल मोमो, बट विद द फ्लेवर ऑफ बटर। ठीक है, ओए मस्टर्ड सॉस में।
तो इस नदी की कलकल बहती आवाज के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को खत्म। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवलिस्ट।